मित्रों, यह कथा अद्भुत और श्रवणीय है क्योंकि इसमें अलौकिक घटनाओं का विस्तार बड़ी सुंदरता से हुआ है। महाभारत के सभी पात्र देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस आदि के अंशावतार थे। इस कथा में मात्र प्रमुख पात्रों के अंश ही बताए जाएंगे क्योंकि सभी को एक कथा में बताना संभव नहीं है। आइए जानते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5, कथा 24, महाभारत के प्रमुख पात्र किन देवादि के अंश थे। जन्मेजय का सर्प यज्ञ चल रहा था। वैशंपायन जी उन्हें महाभारत की कथा सुना रहे थे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, इस पृथ्वी पर अनेक महारथी किस प्रकार उत्पन्न हुए, कृपा कर विस्तार से बताएं। वैशंपायन जी ने कहा, पृथ्वी पर तब सत्य युग चल रहा था। मानव बड़े प्रसन्न थे, किंतु एक समय आया जब असुर लोग राजपत्नियों के गर्भ से उत्पन्न होने लगे। इसका कारण यह था कि उन दिनों देवताओं ने दैत्यों को अनेक बार पराजित किया था और वे स्वर्ग के ऐश्वर्य से भ्रष्ट होने पर पृथ्वी पर जन्म लेने लगे थे। कालांतर में वे सभी जीवों को पीड़ित करने लगे। जब अधिक समय बीत गया तब असुरों के भार से आतुर तथा भय से पीड़ित पृथ्वी ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुई। सभी देवताओं, द्विज, महर्षि आदि को प्रणाम कर पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे जगत स्रष्टा, आपसे कुछ छुपा नहीं है, अब आप ही मेरी पीड़ा को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, वसुंधरे, तुम जिस उद्देश्य से आई हो उसकी सिद्धि के लिए मैं समस्त देवताओं, अप्सराओं, गंधर्वों आदि की नियुक्ति कर रहा हूँ। वे अपने अपने अंश से तुम्हारा भार उतारने के लिए विभिन्न भागों में पृथक पृथक जन्म ग्रहण करेंगे और असुरों के विरोध कर अपने अभीष्ट की सिद्धि करेंगे। तब भगवान नारायण सहित सभी ने इसे स्वीकार कर लिया। तदनंतर दानवों के साथ साथ देवता गण भी अपनी इच्छा अनुसार ब्रह्मर्षियों एवं राजर्षियों के वंश में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्रों में मरीचि के पुत्र कश्यप से ही समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। समस्त उत्पत्तियों के रहस्य जानने के बाद जनमेजय ने पूछा, भगवन, मनुष्य योनि में अंशतः उत्पन्न हुए देवता, दानव आदि के बारे में विस्तार से बताएं। वैशंपायन जी ने कहा, तो सुनो राजन, विप्रचित्त नाम से विख्यात दानव राजा जरासंध नाम से विख्यात हुआ। दितिका पुत्र हिरण्यकशिपु शिशुपाल के रूप में उत्पन्न हुआ। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद का छोटा भाई संहलाद ही राजा शल्य के रूप में उत्पन्न हुआ। दानवों का महाबली कालनेमी उग्रसेन का पुत्र कंस बनकर उत्पन्न हुआ। देवर्षि बृहस्पति के अंश से भरद्वाज नंदन द्रोण उत्पन्न हुए। इनके ही यहाँ महादेव, यम, काम एवं क्रोध के अंश से शूरवीर अश्वत्थामा का जन्म हुआ। महर्षि वशिष्ठ के शाप एवं इंद्र के आदेश से 8 वसु ने गंगा जी के गर्भ से राजा शांतनु के पुत्र के रूप में जन्म लिया। इनमें सबसे छोटे वसु प्रतापी भीष्म थे। इन्होंने ही कौरव वंश को निर्भय बना दिया था। कृप नामक जो प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि थे वे रुद्रगण के अंश थे। जो राजा शकुनी नाम से विख्यात हुए वे द्वापर का अंश थे। मरुत देवताओं के अंश के रूप में सात्यकी एवं राजर्षि द्रुपद उत्पन्न हुए।
इन्हीं से राजा कृतवर्मा एवं राजा विराट को भी उत्पन्न मानो। अरिष्टा का पुत्र जो हसनाम से विख्यात गंधर्व राज था, वही धृतराष्ट्र के रूप में उत्पन्न हुए। महाराज पांडु एवं विदुर सूर्यपुत्र धर्म के अंश थे। सभी राजा और महर्षिगण इस रहस्य को बड़ी उत्सुकता से सुन रहे थे। वैशंपायन जी ने आगे कहा, खोटी बुद्धि और दूषित विचार वाले दुर्योधन को कली का अंश मानो। वह सबका द्वेष पात्र था, जिसने सारी पृथ्वी के वीरों को लड़वाकर मरवा दिया था। पुलत्स्य कुल के राक्षस दुर्योधन के भाइयों के रूप में जन्मे थे, जिनकी संख्या 100 थी, और एक कन्या थी जिसका नाम दुशाला था। एक और पुत्र धृतराष्ट्र को हुआ था, जो वैश्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, और उसका नाम युयुत्सु था। अब इसके बाद पांडवों के अंशावतार को भी सुनो। युधिष्ठिर धर्म का अंश थे, तो भीम वायु के। अर्जुन स्वयं इंद्रदेव का अंश थे, तो नकुल एवं सहदेव अश्विनी कुमारों के। वरचा नाम से विख्यात चंद्रमा के पुत्र के रूप में अभिमन्यु ने जन्म लिया था। महारथी धृष्टद्युम्न अग्नि के अंश थे, और शिखंडी राक्षस के। श्रेष्ठ धनुर्धारी कर्ण सूर्य के अंश थे, जो कवचधारी उत्पन्न होने के कारण कर्ण कहलाए। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण भगवान नारायण के अवतार ही थे। उनकी 16,000 रानियां सभी अप्सराएं थीं, जबकि रुक्मिणी देवी माता लक्ष्मी देवी का ही अंश थी। महाबली बलदेव जी शेषनाग के अंश थे, और तेजस्वी प्रद्युम्न सनत कुमार के। द्रौपदी शची का अंश थी, और उसके 5 पुत्र विश्वे देवगण के। सिद्धि एवं धृति नामक देवियां ही 5ों पांडवों की दोनों माताएं कुंती एवं माद्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। सुबल नरेश की पुत्री गांधारी मति देवी का ही अंश थी। इतना बताकर वैशंपायन जी ने इस प्रकार कहा, राजन, मैंने तुम्हें देवताओं, असुरों, गंधर्वों, अप्सराओं एवं राक्षसों के अंशावतार को बता दिया। इस अद्भुत जानकारी को पाकर सभी आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता में थे। मित्रों, कथा पर अपने विचार अवश्य प्रकट करें। आप सभी सुखी एवं सानंद रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है।